एक नया आइटम बनाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप किचन में अपने रसोई घरों में लेके पूजा घर में यूज कर सकते हैं, अपने ड्राइंग टेबल पे आप रख सकते हैं। इसका बहुत सारा यूज है सर। ये मैं नारियल का बाउल बना रहा हूँ। ये नारियल का बाउल बनाने के लिए एक नारियल को मैंने घिस के चिकना किया है। अब ये प्लेन करने के बाद इसको हम स्केचिंग करेंगे कि कहाँ से मेरा कौन सा भाग निकलना है। एक ही नारियल में मुझको नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बनाना है, तो इसको हम स्केच पहले करते हैं सर। इसको ये स्केच करके एक भाग में ही इसका आगे का भाग निकाल दूंगा और उसके बाद मैं दूसरा स्केचिंग करता हूँ जो कि मेरे उपयोग में आएगा। ये दूसरा भाग जो है मेरे उपयोग में, ये आगे का भाग जो है सर, ये आगे का भाग जो है ये निकाल दिया जाएगा और ये भाग जो है इसको हम नीचे के पेंदा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ सर इसको कट कैसे किया जाता है। ये हेक्सा ब्लेड है, इससे मैं इसको कट करता हूँ सर। इसको सर अब हमने कट कर लिया, इसका ऊपर का भाग अलग कर दिया, एक टुकड़ा ये मैं निकाल लिया। इसको कट करने के बाद इसको बराबर ये बैठे, इसके लिए मैं इस सैंड पेपर पे घिसाई करता हूँ और ये घिसाई करने से ये जितना भी डस्ट निकलता है, इस डस्ट को हम लोग जमा रखते हैं। इस डस्ट से अभी मैं इसको चिपकाने का कार्य करूँगा सर। ये देखिए, पहले इसको ऊपर वाले भाग को मैंने घिस के तैयार किया था, इसको मैं गोड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पहले हमको देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा, ये मान लीजिए हम इसको 60 देते हैं, अगर ये बराबर नहीं होगा तो इसको हमको फिर से स्केच करके फिर से इसको हम बराबर करते हैं। अभी मैं तत्काल दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे इस एक दूसरे से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ठंड में थोड़ा सा इसको जमने में टाइम लगता है, गर्मी में ये तुरंत सूख जाता है। इसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि ये टांका मारे हैं। अब ये टांका जब सूख जाएगा तो इसके अंदर दूसरा चीज का इस धूल को मिला के दूसरे चीज से फिर मसाला बनाते हैं, उस मसाले को इसमें पेस्ट करते हैं। देखिए सर, ये पकड़ गया। अब इसको मैं इसका सारा मसाला इसमें भर के इसकी फिनिशिंग करूँगा। देखिए अब ये बॉल पूरी तरह से बनके तैयार है, लेकिन कुछ काम इसमें बाकी है। जैसे अभी मैंने इसको ज्वाइंट किया तो ये थोड़ा सा ये मसाला जो है उबड़ खाबड़ है, तो इसकी फिनिशिंग के लिए फिर हम पेपर से लेके इसकी घिसाई करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी होती है। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहेंगे भी अब इसको आप इसमें आप सूखा, गीला, गरम, ठंडा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत शुद्ध होता है, इसको आप पूजा में यूज करो, अपने रसोई घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा इको फ्रेंडली है और हर्बल भी है। इसके साथ जो है, जिस तरह से मैंने बाहर में इसको चिकना किया, इसी तरह से ये भीतर भी साफ होता है। इसी तरह से इस पेपर से हम घिसाई करते हैं, ये पेपर है, इस पेपर से हम घिसाई करते हैं। इस पेपर से घिसाई करने के बाद ये भीतर भी उतना ही चिकना हो जाता है। ये बनके तो तैयार है, लेकिन हमने ये जो पब्लिक डिमांड पे इसको तैयार किया है, लेकिन इसको हम खाने पीने के रूप में यूज़ करेंगे, तो इस पर किसी तरह का हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। कारण है कि अगर हम इस पर केमिकल लगा देंगे तो वो हमारे शरीर में भोजन के साथ जाएगा और स्वास्थ्य पे हमारा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इसमें हम कोई तरह का कलर यूज़ नहीं करते हैं, बिना कलर का इसको हम चमकाएंगे। इसमें डिज़ाइनिंग भी होता है, मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस पर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैं इस पर लाइनिंग कर रहा हूँ। देखिए सर, ये एक मैंने छोटा सा अभी हल्का सा डिज़ाइन बनाया हूँ। ये जो है आप हेक्सा ब्लेड से मैं बनाया हूँ, उसके बाद हम ये इस फाइल की सहायता से भी इसको थोड़ा सा डीप कर सकते हैं। और इसमें आप जितना डिज़ाइन चाहिए, आपके अंदर जितना इमेजिंग है, जितना चाहिए, इसमें फूल बना सकते हैं, पक्षी बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं,
किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इसको हमको डेकोरेटिव आइटम बनाना है तो डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए हम इस पर कलर कर सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम में कलर करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट अगर हम खाने पीने के लिए कोई पात्र बनाते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, तो उसमें कलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जो कलर का जो केमिकल होगा वो हमारे शरीर में भोजन के साथ जाएगा और उससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं खाने पीने के किसी आइटम में कलर की सलाह नहीं देता हूँ।